हेलो एवरीवन, आज हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में समझेंगे और उसके अकाउंटिंग का क्या तरीका है वो फिर सीखेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? ये गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लगने वाला टैक्स है। ये जो लागू हुआ है ये हुआ है 1 जुलाई 2017 से और ये लोकसभा में पास हुआ था 24 मार्च 2017 को पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ। तो ये जो टैक्स का तरीके जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये इस कंसेप्ट पे है कि पूरे देश में जो टैक्स हो बिल्कुल एक समान हो, चूंकि एक देश है तो जो कर हो जो टैक्स हो वो भी एक ही होना चाहिए। इसके पहले जो टैक्स हुआ करते थे कई एक टैक्स हुआ करते थे, तो ये उन सबको मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। अब कई टैक्स होते थे, जैसे पहले सेल्स टैक्स होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स होते थे, सर्विस टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी होते थे, एंट्री टैक्स होते थे, तो ये कई सारे टैक्स को मिलाकर उसके जगह पे उन सबको हटा करके उसके जगह पे जीएसटी को लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कि ये इनकम है गवर्नमेंट का, टैक्स का पैसा, और इसे जो फाइनली जिसे बेयर करना है, जिसे पे करना है, वो कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब वो जो कि फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेगा। पर कंज्यूमर डायरेक्ट सीधे तौर पर आकर गवर्नमेंट के वो टैक्स का पैसा पे नहीं कर रही है और ना ही गवर्नमेंट सीधे वो पैसा कंज्यूमर से वसूलने जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, कई चैनल से होकर गवर्नमेंट के पास वो टैक्स का पैसा आ रहा है। तो उसे समझने के लिए देखते हैं यहां पे। जैसे सपोज मेन डीलर ए है, सब डीलर बी है, रिटेलर सी है और कंज्यूमर डी है। तो ए ने कोई सामान खरीदा 1000 रुपए में और वो 5% जीएसटी के पे कर रहा है, तो 50 रुपए जीएसटी को उसने पे किए। अब वो सामान वो बेचेगा बी को, जो कि बी सब डीलर है। अब वो बेचेगा तो नेचुरली प्रॉफिट लेके बेचेगा था, 1000 का सामान वो 1100 रुपए में बेचा। अब 1100 में बेचा तो वहां से वो 5% जीएसटी के वसूलेगा, तो 1100 के 5% 55 रुपए। 55 रुपए में क्या करेगा वो कि 50 रुपए तो उसने जीएसटी के पहले से पे कर रखे हैं, अब एक्स्ट्रा जो निकल रहा है ये जो 55 आया इसमें 50 रुपए अपने जीएसटी के उसने एडजस्ट कर लिए, बाकी ये 5 रुपए वो जीएसटी के और पे कर देगा। ये 55 रुपए पे करेगा इस तरह से, ये ने कितना पे किया जीएसटी का, 50 + 5 = 55 रुपए। अब ये सामान गया सब डीलर बी के पास में, बी क्या करेगा कि बी ए का जो सेल प्राइस है, बी का परचेज प्राइस है, बी ने वो सामान खरीदा 1100 + 55 रुपए जीएसटी। अब वो जब बेचेगा तो वो भी प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो उसने 1200 रुपए में बेचे। अब वो जो 1200 रुपए में बेचेगा तो 5% उसके जीएसटी के, तो 5% 60 रुपए होते हैं, तो 60 में 55 अपना एडजस्ट करके उसका कितना हो गया, वो कितना पे करेगा गवर्नमेंट के यहां, 5 रुपए तो जीएसटी के। अब इसके बाद में ये सामान गया रिटेलर सी के पास में, सी इसे खरीदेगा जिस बी से, जो बी का सेल प्राइस है वही उसका परचेज प्राइस है, तो 1200 रुपए प्लस जीएसटी उसके लगे 60 रुपए। अब वो बेचेगा उसे, वो भी प्रॉफिट लेके बेचेगा 1300 रुपए में। अब 1300, अब ये बेच रहा है फाइनली कंज्यूमर को, जिसे इस गुड्स को कंज्यूम करना है, तो 1300 रुपए में कंज्यूमर को बेचा प्लस 5% जीएसटी 65 रुपए। अब ये क्या करेगा, 65 में 60 रुपए जो उसके जीएसटी के लगे वो एडजस्ट होने के बाद 5 रुपए वो जीएसटी के पे करेगा, और उसके बाद जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसे वो कंज्यूम करना है, उसे ही उस गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो वो कहीं आगे उसे बेचने नहीं जा रहा है, तो जीएसटी के पैसे 65 रुपए से पे करने पड़े और गुड्स के 1300 रुपए। मतलब जो जीएसटी का पैसा 65 रुपया है, ये पैसा फाइनली किसे पे करना पड़ा, कंज्यूमर को। और देखते हैं गवर्नमेंट क्या कैसे जमा हुआ, पहले 50 ही है, प्लस 5 55 प्लस 5 60 प्लस 5 65 65 रुपए जीएसटी के गवर्नमेंट के जमा हुए, और ये पैसे ना ए का गया, ए ने अपने पैसे वसूल लिए, एडजस्ट कर लिए, बी के जो लगे वो भी, बी भी एडजस्ट कर ले, बी ने भी एडजस्ट कर लिया, और सी का जो लगा सी ने भी एडजस्ट कर लिया। तो इन ना ए को ना बी को ना सी को, तीनों में से किसी को भी जीएसटी का पैसा पे नहीं करना पड़ा। ये जो 65 रुपए गवर्नमेंट के खाते में गए तो वो पैसे किसे पे करने पड़े, तो वो फाइनली कंज्यूमर को पे करने पड़े, और इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि पे कर रहा है कौन, कंज्यूमर। मिलेगा किसे, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा, लेकिन गवर्नमेंट सीधे तौर पर कंज्यूमर से लेने नहीं आ रही है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग समझते हैं कि जीएसटी के टाइप के कितने टाइप के होते हैं। तो पहला सी जीएसटी,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो फिर वहां पे हो जाएगा UTGST, और तीसरा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है भाई, मतलब कि CGST SGST कहां एप्लीकेबल होता है और IGST कहां एप्लीकेबल होता है। तो जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होने हैं, जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होने हैं तो वहां पे CGST और SGST एप्लीकेबल होगा, और अगर अलग अलग स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे IGST एप्लीकेबल होगा। किस तरह से ये समझते हैं, सपोज GST 18% है, 18% है, तो अगर इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है और यहां पे कर देते हैं इंटरस्टेट, तो जब इंट्रास्टेट यानी एक ही राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, ये GST का पैसा दो भाग में हो जाएगा, CGST 9% और SGST 9%, मतलब कि GST का पैसा दो बराबर भागों में बट जाएगा, CGST और SGST। सपोज ये अगर GST 5% रहेगा तो 2.5% में बट जाएगा, इस तरह से 12% है तो 6% में बट जाएगा, मतलब ये दो बराबर भाग में GST का पैसा बट जाएगा अगर ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो। पर अगर ट्रांजैक्शन अलग अलग राज्यों के बीच हो रहा है तो वहां पे सीधा क्या होगा, GST का पैसा IGST सीधा 18%। तो क्या है कि अगर राज्य के अंदर एक ही राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो GST दो भागों में बढ़ जाएगा, CGST और SGST दोनों बराबर, और अगर अलग अलग स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे सीधा IGST जितना परसेंट है 18% है तो 18%। तो ये इस तरह से GST को इस तरह बांटते हैं, ठीक है, इसके प्रकार इसके टाइप देख लिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो माल खरीदते समय, गुड्स परचेज करते समय जो GST का पैसा पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, और जब माल बेचते हैं तो कस्टमर से जो GST का पैसा वसूलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भाई जब खरीदते समय GST का पैसा पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट GST, ये CGST भी हो सकता है, SGST भी हो सकता है, IGST भी हो सकता है, या GST पेड। और जब बेचते समय कस्टमर से GST का पैसा वसूलते हैं उसे आउटपुट GST या GST कलेक्टेड। तो क्या जो खरीदते समय हमने GST का पैसा पे किया उसे इनपुट GST या GST पेड, और जो बेचते समय ग्राहक से हमने वसूला GST का पैसा उसे आउटपुट GST या GST कलेक्टेड कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने GST के बारे में समझा, आगे के वीडियो में इसके अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री GST से रिलेटेड गुड्स खरीदते समय, गुड्स बेचते समय, GST के एडजस्टमेंट के समय अलग अलग क्या एंट्रीज किए जाते हैं वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इतना ही, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप कुछ इससे सीख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।